हे दोस्तों, अगर आपकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है और आपकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करने लग जाती है, तब यार ऐसी कंडीशन में आपका दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अब आप ये सोचने लगते हो, यार मैं क्या करूं, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास वापस लाऊं, या मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से प्यार करती से छोड़ दूं, या क्या करूं। सैकड़ों सवाल आपके माइंड में भर जाते हैं और आप यही सोचते सोचते कुछ नहीं कर पाते। तो यार इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और चैनल को कर देना होगा सब्सक्राइब। पहला पॉइंट है गलतफहमी। दोस्तों पहले तो ये कन्फर्म करो कि आपको गलतफहमी तो नहीं है कि वो किसी और से बात करती है। देखो यार, हो सकता है कि उसका फ़ोन बिजी जा रहा है या वो किसी और के साथ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो लड़की ही गलत है। हो सकता है उसका भाई हो या कोई और रिलेटिव या फ्रेंड जिसके साथ यार वो कॉल पे भी बिजी हो सकती है या उसके साथ घूमने भी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो आपको धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ है। यार ये तो नॉर्मल है कि वो अपने भाई के या किसी रिलेटिव के साथ हो, वो शहर घुमाने के लिए उसके साथ हो, या फिर वो किसी ज़रूरी काम से फ़ोन पर बिजी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ये समझ लो कि वो गलत है। तो यार अगर आप ऐसी कंडीशन में उसे गलत ठहराते हो तो भाई इस मामले में आप ही गलत हो। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, उस पर विश्वास करो, डायरेक्टली कभी मत पूछो। देखो यार कभी कभी क्या होता है कि आप लड़की से बार बार यही पूछते हो कि आप उस लड़के के साथ हो, या आपका फ़ोन बिजी जा रहा है, आप धोखेबाज हो, या आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये सब क्वेश्चन अगर आप उससे बार बार पूछते हो ना, तो भाई लड़की इरिटेट हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि मैंने अभी तक जो नहीं किया ना, वो मैं अब करके दिखाऊंगी। भाई कोई भी कंडीशन हो, जब अगर हम गलत हैं तब हमें कोई गलत बताता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं और फिर भी हमें कोई बार बार गलत बताए ना, तो दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम उसे छोड़ दें। तो ये ऐसे ही लड़की का चांस भी यही होता है, लड़की भी यही सोचने लगती है, उसकी सेम कंडीशन यही होती है। जब बार बार आप उसे ये बोलते हो कि तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, तब भाई उसके मन में ये बात बोल बैठ जाती है कि वो गलत है और वो ऐसा करके दिखाएगी। तो यार पहले उस पर विश्वास करो और उससे पहले समझो सही से कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है। उसे डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं पूछना है। अगर आप उससे डायरेक्टली ऐसा पूछ लेते हो कि तू मुझे धोखा दे रही है, ये सब कर रही है, तब भाई उससे दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तीसरा पॉइंट ये कि कैसे पता करें कि लड़की हमें धोखा दे रही है या नहीं। तो यार इसे पता करने के लिए आपको दो कंडीशनें फॉलो कर रही होंगी। देखो यार पहले ये कि आपको ये नोटिस करना होगा कि वो अपना फ़ोन आपसे छुपाती है नहीं। जब भी आप उसका फ़ोन मांगते हो वो आपको फ़ोन नहीं देती है, उसका कॉल आता है तो वो उस कॉल को छुपाती है, जब भी वो किसी से बात करती है तो आपसे दूर जाके करती है। अगर ये सब कम करती है ना, तो भाई हो सकता है वो कुछ ना कुछ आपसे छुपा रही है, वो आपको कुछ कहीं ना कहीं पे धोखा दे रही है। लेकिन इसमें आप कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको धोखा ही दे रही है, लेकिन यार 80% चांस हो सकते हैं कि वो आपको धोखा दे रही है। तो यार इसमें आप डायरेक्टली उससे मत पूछना, लेकिन आप इससे धीरे धीरे नोटिस कर सकते हो कि वो आपको धोखा दे रही है। दूसरा तरीका ये है कि आपको किसी अपने अननोन फ्रेंड की हेल्प लेनी होगी जिससे आपकी गर्लफ्रेंड ना जानती हो, ठीक है। और आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि वो अपनी आपकी गर्लफ्रेंड पे थोड़ा इंटरेस्ट ले, लाइन वाइन मारे, जिससे यार अगर आपकी गर्लफ्रेंड उसमें इंटरेस्ट लेती है और उससे बात करना चाहती है, तब वो आपको फ्रेंड बताएगा कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड में इंटरेस्टेड हूँ और तेरी गर्लफ्रेंड भी मुझ में इंटरेस्टेड हुई है। अगर इससे भाई आपको पक्का पता चल जाएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा देना चाहती है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो यार वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं 100% उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और यार वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो यार आपके लिए ही बनाई जाती है।